जय श्री कृष्ण एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग। आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे। सो आईसीआई ने आपको फाइनली बता दिया है कि भाई आपके एग्जाम्स कब होने वाले हैं। राइट, दिसंबर का हमें आइडिया था, लेकिन हमें लगा था शायद फर्स्ट वीक ऑफ दिसंबर में होगा। लेकिन 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 इन्होंने तो क्या बोला, इन्होंने बोला 14 से शुरू करेंगे सर, 14th ऑफ दिसंबर से आपके एग्जाम शुरू हो रहे हैं। विच मीन्स अगर आप आज की डेट लो, विच इज 10th सितंबर से 14 दिसंबर, मोर देन 3 मंथ्स, आपके पास 3 महीने से ज़्यादा का टाइम पीरियड है, विच इज़ वेरी वेरी सफिशियंट। मतलब बहुत टाइम होता है आपका 3 महीने, अगर आपको सीए फाउंडेशन के एग्जाम्स क्लियर करने हैं। तो लेट्स से अगर आप ऐसे स्टूडेंट हो जिसने अभी तक शुरू नहीं किया है, ठीक है, अभी 2-3 दिन पहले ही बहुत सारे बच्चों के मैसेज आए थे कि सर अब हम शुरू कर रहे हैं, क्या हम सीए फाउंडेशन क्लियर कर सकते हैं। यस, अब तो आप डेफिनेटली कर सकते हो। 3 महीने का टाइम पीरियड इज सफिशियंट मेरे दोस्त, ठीक है, लेकिन डिपेंड करता है कि आप इन 3 महीने को अप्रोच कैसे करते हो। राइट, आपके पास 3 महीने का टाइम पीरियड है, लेकिन 3 महीने यूं निकल जाएंगे अगर आप ढंग से उसको प्लान नहीं करोगे, ठीक है। कोई भी सीए एग्जाम क्लियर करने के लिए सबसे इंपॉर्टेंट चीज है प्लानिंग एंड एग्जीक्यूशन, फाउंडेशन, इंटर, फाइनल्स, तीनों में। राइट, अगर आप प्रॉपर प्लान नहीं करोगे, ऑफकोर्स उसको एग्जीक्यूट नहीं करोगे, तो प्रॉब्लम होने वाली है। आप दिन में पढ़ लो 15 घंटे, लेकिन विदाउट प्लानिंग जो मन में आ रहा है पढ़ रहे हो, उससे नहीं होने वाला है दोस्त। प्लानिंग तो आपको प्रॉपर करनी होगी। तो अब यहाँ पे बहुत सारे बच्चे बोलते हैं कि सर एक स्ट्रेटेजी वीडियो बना दो, एक प्लानिंग वीडियो बना दो, टाइम टेबल बता दो। तो मैं आज आपके साथ वही डिस्कस करने आया हूँ कि आपको प्लान कैसे करना है। मैं आपको सिर्फ बताऊंगा, प्लान आप बनाओगे, ठीक है, बताता हूँ क्यों। देखो आओ फटाफट से आओ। अब अगर हम यहाँ पे देखें तो हमारे पास 3 महीने हैं, वी हैव 3 मंथ्स। ओके सर, ओके राइट, 10 सितंबर से अगर मैं देखता हूँ तो 14 दिसंबर, मोर देन 3 मंथ्स, अच्छा ठीक है। और आपके पास है 4 सब्जेक्ट्स, पेपर 1, पेपर 2, पेपर 3 और पेपर 4। राइट, ये आपका मैं लिख देता हूँ सिंपली अकाउंट्स का। ओके सर, राइट ठीक है। इसके बाद ये आपका आ गया लॉ और बीसीआर। राइट, समझ जाओ खुद से, लॉ और मैं लिख देता हूँ यहाँ पे बीसीआर। ओके सर, इसके बाद आपका मैथ्स, स्टैटिस्टिक्स, लॉजिकल रीजनिंग, वो सब आ गया। एंड लास्ट में आपका आ गया इको और बीसीके। ओके, तो ये आपके पास 4 पेपर है। हाँ, अब मेरी बात सुनो, आपको इन 4 एग्जाम्स की प्रिपरेशन करनी है विद इन 3 मंथ्स। राइट, सबसे पहले ये ध्यान रखना कि आपका सिलेबस दिसंबर तक नहीं जाना चाहिए। सर मतलब अगर 14th दिसंबर को आपका एग्जाम है, तो एटलीस्ट उससे 15 से 20 दिन पहले आपका सिलेबस कंप्लीट होना चाहिए। आइडियली अगर आप मुझसे पूछोगे तो आपका जो सिलेबस है, सर सिलेबस का मतलब क्या है कि आपने चारों सब्जेक्ट्स की प्रिपरेशन एटलीस्ट एक बार तो ढंग से कर ली है, वो मैक्सिमम 15th नवंबर तक आपका कंप्लीट हो जाना चाहिए। 15th नवंबर तक, मतलब सिलेबस से एग्जाम तक एटलीस्ट कोशिश करो कि 1 महीना रह जाए, कम से कम 20 दिन रह जाए। बात समझ रहे हो, किसके लिए भाई, रिवीजन नहीं करोगे, मॉक टेस्ट नहीं दोगे, ढंग से आप प्रिपेयर नहीं करोगे, सिर्फ सिलेबस कंप्लीट करने से कुछ नहीं होने वाला। राइट, तो कोशिश करेंगे कि 15th ऑफ नवंबर तक कंप्लीट कर लो, इससे पहले होता है तो बोनस है, कोशिश करेंगे इससे पहले हो जाए। राइट, लेकिन नहीं हो रहा है तो ध्यान रखो 15th नवंबर हमारी कट ऑफ डेट है, करना ही करना है। अच्छा ठीक है सर, तो इसका मतलब सर आप ये कह रहे हो कि सिलेबस कंप्लीट करने के लिए हमारे पास देखा जाए तो 2 महीने, बिल्कुल सही। अब मेरी बात सुनो कि आपको करना कैसे है, आपको प्रॉपर प्लान कैसे करना है। तो एक चीज़ मैं आपको पहले ही बता दूं, अगर आप मुझसे ये चाहते हो कि मैं आपको ये बताऊं कि आप इस हफ्ते में क्या करो, सुबह क्या पढ़ो, रात को क्या पढ़ो, नहीं, हो ही नहीं सकता, ये सब बेकार की बातें हैं, ठीक है। अगर मैं आपको एक प्रॉपर प्लान दे रहा हूँ कि इस दिन ये करो, अरे कैसे हो सकता है सर, मुझे एक बात बताओ। जैसे लॉ है, किसी की थ्योरी बहुत ही ज़्यादा वीक है, किसी की थ्योरी बहुत वीक है, किसी का प्रैक्टिकल बहुत स्ट्रांग है, तो कैसे मैं एक प्लान सबके लिए बना सकता हूँ, नहीं बना सकता ना दोस्त। तो आपको पता होना चाहिए कि भाई आपका स्ट्रांग पॉइंट क्या है, आपका वीक पॉइंट क्या है। लेट्स से आइडियली जैसे मैं प्रिपेयर करता था, तो मैं एक दिन में 2 सब्जेक्ट्स पढ़ता था। क्या करता था मैं, एक दिन में 2 सब्जेक्ट्स, और हमेशा जो कॉम्बिनेशन होता था वो होता था थ्योरी का और प्रैक्टिकल का, मतलब एक थ्योरी एक प्रैक्टिकल। दोनों थ्योरी बहुत बोरिंग हो जाती है, और दोनों प्रैक्टिकल करोगे तो ऑफकोर्स कभी ना कभी आपको दोनों थ्योरी करनी पड़ेगी। राइट, तो एक थ्योरी एक प्रैक्टिकल लेके चलेंगे। अगर आप देखोगे तो आपके पास 2 थ्योरी हैं, 2 प्रैक्टिकल है। सर जैसे लेट्स से आप क्या कर रहे हो, अकाउंट्स और लॉ कर रहे हो, अकाउंट्स और इको कर रहे हो, या फिर मैथ्स और लॉ कर रहे हो, तो हमारे पास 2 सब्जेक्ट्स हैं जो प्रैक्टिकल है, जैसे कि अकाउंट्स और मैथ्स।
प्रैक्टिकल से मेरा मतलब है जहां पे आपको न्यूमेरिकल सॉल्व करने होते हैं, राइट। अब बच्चे बोलेंगे सर लॉ मैथ्स इको बीसी के सब प्रैक्टिकल है। बेटा प्रैक्टिकल वर्ल्ड से कनेक्टेड तो है, मेरा प्रैक्टिकल से मतलब है जहां आपको पेन चलाना होता है, जहां आपको न्यूमेरिकल सॉल्व करने होते हैं, ठीक है। तो दो प्रैक्टिकल दो थ्योरी है हमारा, लॉ और इको थ्योरी हो गया, अकाउंट्स और मैथ्स प्रैक्टिकल हो गया। इसका कॉम्बिनेशन आपको बनाना है कि एक अकाउंट्स और लॉ का बना दिया, एक मैथ्स और इको का बना दिया, जैसे आपको सही लगे। सर कैसे बनाए? देखो मेरी बात सुनो, सबसे ज़्यादा प्रायोरिटी जो आपको देनी है वो देनी है लॉ को। क्यों? क्योंकि नया सब्जेक्ट है, सिंपल सी बात है, नया सब्जेक्ट है। बाकी तीन सब्जेक्ट्स आपने कभी ना कभी पढ़ रखे, अकाउंट्स पढ़ रखा है 11th 12th में, नहीं भी पढ़ रखा, मान लो आप साइंस के स्टूडेंट्स हो तो भी कोई दिक्कत नहीं है दोस्त। सबसे ज़्यादा प्रायोरिटी किसको देनी है? लॉ को देनी है। मतलब लॉ को एंड के लिए बिल्कुल भी नहीं छोड़ना है। आप लॉ को एंड के लिए छोड़ ही नहीं सकते हो, क्योंकि एंड के लिए छोड़ोगे वो कंप्लीट ही नहीं होगा और बहुत परेशान करेगा। तो अगर आप अभी शुरू कर रहे हो तो मेक श्योर आपका एक सब्जेक्ट तो लॉ है। अब सर दूसरा सब्जेक्ट क्या है? दूसरा सब्जेक्ट अकाउंट्स और मैथ्स में से वो होना चाहिए जो आपका स्ट्रांग है। सर मतलब लेट्स से आपके पास मैथ्स नहीं थी, आपका मैथ्स वीक है, तो बेटा मैथ्स को लेके मत चलो, क्योंकि लॉ भी आपको परेशान करेगा, मैथ्स भी परेशान करेगी, दोनों परेशाने वाली सब्जेक्ट हमें एक साथ नहीं करने हैं, ठीक है। तो आप क्या लेके चलोगे? आप लॉ के साथ लेके चलोगे अकाउंट्स। क्या लेके चलोगे? अकाउंट्स। लेकिन किसी बच्चे की मैथ्स बहुत स्ट्रांग है, अकाउंट्स में थोड़ी दिक्कत होती है, तो मैथ्स लेके चलो। कहने का मतलब है लॉ के साथ लेके चलना आपको ईजी सब्जेक्ट, ठीक है। अब फॉर एग्जांपल आपने लॉ और अकाउंट्स को बना दिया, और सेकंड आपका कॉम्बिनेशन क्या बन जाएगा? इको प्लस मैथ्स, ठीक है। जो भी आपने कॉम्बिनेशन बनाया, बनाना ज़रूरी है, अच्छा ठीक है। अब इसके बाद क्या करना है? आपको अपने दिन को दो पार्ट में डिवाइड करना है, ठीक है। दो पार्ट में मतलब ऑफकोर्स मॉर्निंग का टाइम, इवनिंग का टाइम। लेट्स से दिन में आप 12 घंटे पढ़ रहे हो, देखो इतना तो पढ़ना ही पड़ेगा, ठीक है। अब आपको इतना तो पढ़ना ही पड़ेगा, ओके। 10 to 12 आवर्स आप पढ़ रहे हो मिनिमम, 10 से 12 घंटे, अगर कोई 8 से 10 घंटे में कर लेता है तो 8 से 10 घंटे जो भी है, 10 से 12 घंटे मान के चल रहा हूँ। तो इसका मतलब क्या है कि आप अपने दिन को दो पार्ट में डिवाइड कर रहे हो, एक थ्योरी एक प्रैक्टिकल। अब मेरी बात ध्यान से सुनो, मैं इसलिए बोल रहा हूँ कि मैं आपको प्लान नहीं बता सकता, क्योंकि किसी बच्चे की थ्योरी बहुत स्ट्रांग होती है और किसी बच्चे का प्रैक्टिकल बहुत स्ट्रांग होता है। तो जिन बच्चों की थ्योरी बहुत स्ट्रांग है तो वो क्या करेंगे? थ्योरी में कम टाइम लगाएंगे और प्रैक्टिकल में ज़्यादा टाइम लगाएंगे। सर मतलब मान लो किसी बच्चे की ईको बहुत स्ट्रांग है, तो बेटा आप 10-12 घंटे में ईको को दो 4 घंटे और मैथ्स को दो बाकी 7 से 8 घंटे। तो मेजॉरिटी टाइम किसको दोगे? मेजॉरिटी आप मैथ्स को दोगे यार, जो आपका वीक पॉइंट है उसी को टाइम दोगे ना। यही आपको छोटी छोटी प्लानिंग करनी है, छोटी छोटी प्लानिंग से ही एग्जाम्स क्लियर होगे। आपको देखना है कि आपका स्ट्रांग पॉइंट क्या है, आपका वीक पॉइंट क्या है। जो आपका वीक पॉइंट है उस पे काम करो, वो फंसा देगा आपको भाई, उस पे काम करना है आपको। जो आपका स्ट्रांग पॉइंट है उसको इग्नोर नहीं करना है, उसको मान के चलो कि उसमें मेरे को 70-80 क्रॉस करने हैं, मुझे उसको एग्जेम्पशन तो लेकर ही आनी है कि अगर थ्योरी में गलती से अटक गए तो 40-45 में पास हो जाऊंगा मैं, 40-45 आ जाएंगे, बाकी प्रैक्टिकल कवर कर लेगा। तो प्रैक्टिकल को तो स्ट्रांग करना ही है, लेकिन भाई थ्योरी अगर वीक है तो उसको तो आपको पढ़ना ही पड़ेगा, टाइम देना ही पड़ेगा, अटकना नहीं है उसमें। बात समझ में आ गई? तो ये ध्यान रखना कि अपने अपने दिन को दो पार्ट में डिवाइड किया, ज़्यादा टाइम उसको दो जिसमें आप वीक हो। वीक का मतलब ये है कि अभी आपको समझ में नहीं आ रहा है, राइट, तो उसको समझो। बात समझ में आ गई? एक चीज़ तो ये हो गई, सर ये हमें समझ में आ गया, अब ये बताओ पढ़ना कैसे है, कहाँ से पढ़ना है? तो देखो मेरी बात सुनो, अब मेरी बात सुनो, अगर आप कहीं कोचिंग जा रहे हो, आपने कोई कोचिंग ज्वाइन कर रखी है, ऑनलाइन हो सकता है ऑफलाइन हो सकता है, बहुत बढ़िया, उन्हीं को फॉलो करो, उन्हीं को आपको फॉलो करना है, ठीक है। जो आपको बता रहे हैं उनको प्रॉपर फॉलो करो। लेकिन अगर आप सेल्फ स्टडी कर रहे हो, या मान लो यूट्यूब से पढ़ रहे हो, किससे पढ़ रहे हैं? यूट्यूब से पढ़ रहे हैं। अब मेरी बात सुनो, अगर आप यूट्यूब से पढ़ रहे हो तो यूट्यूब से पढ़ने वाले बच्चे जो गलती करते हैं, मैं आपको बता देता हूँ, वो टीचर्स को बहुत फ्रीक्वेंटली चेंज करते हैं। सर मतलब लेट्स से आज आप मुझसे अकाउंट्स पढ़ रहे हो या मुझसे इकोनॉमिक्स पढ़ रहे हो, अकाउंट्स और इकोनॉमिक्स लाइव क्लासेस चल रही है हमारी, राइट, मॉर्निंग में हमारी लाइव क्लासेस चलती है। तो अगर आप मुझसे पढ़ रहे हो, मान लो आपके किसी दोस्त ने आपको बोल दिया कि यार सुन मैं अकाउंट्स वहाँ से पढ़ रहा हूँ, मैं इकोनॉमिक्स वहाँ से पढ़ रहा हूँ, तो आपने चैनल चेंज कर दिया, आपने शिफ्ट कर दिया कि चलो वहाँ से पढ़ के देखते हैं, कुछ दिन आपने वहाँ से पढ़ा फिर आप वापस आ गए, तो आपको ये फ्लिप नहीं करना है। अगर आपको एक टीचर का समझ में आ रहा है, किसी का समझ में आ रहा है, तो आपको प्रॉपरली बस उन्हीं को फॉलो करना है, चेंज मत करो, उसी में बहुत टाइम वेस्ट होता है भाई, बहुत ज़्यादा टाइम वेस्ट होता है। अगर आप किसी भी टीचर को फॉलो कर रहे हो और उनका आपको समझ में आ रहा है, तो भाई किसी और के पास जाने की ज़रूरत नहीं है। अगर आपको अकाउंट्स किसी और का समझ में आ रहा है तो वहीं पर रहो, वहीं पर स्टिक रहो, मेरा चैनल देखने की आपको बिल्कुल भी ज़रूरत
नहीं है। ऑफ कोर्स अगर किसी टॉपिक में आपको डाउट आ गया या कुछ भी हो गया तो आप किसी और की वीडियोस देख सकते हो डेफिनेटली, लेकिन अगर वो अच्छा पढ़ा रहे हैं आपको समझ में आ रहा है तो क्यों चेंज करना है, नहीं करना। उन्हीं को आपको क्या करना है, प्रॉपर फॉलो करना है, उन्हीं की वीडियोस देखनी है, उसके बाद आपको क्या करनी है, ऑफ कोर्स सेल्फ स्टडी करनी है। देखो मैं आपको एक सिंपल सी बात बताता हूँ, एग्जाम्स आपको कोई भी टीचर क्लियर नहीं करा सकता। सीए के एग्जाम्स अगर कोई टीचर क्लियर करा सकता होता ना तो बेटा रिजल्ट इतना खराब नहीं आता। पिछले अटेम्प्ट में 70,000 अराउंड 70,000 स्टूडेंट्स का सीए फाउंडेशन क्लियर नहीं हुआ। क्यों भाई, टीचर्स तो वही हैं, सिर्फ डिपेंड किस पे करता है, आपकी सेल्फ स्टडी पे। टीचर्स आपके डाउट सॉल्व कर सकते हैं, आपको गाइड कर सकते हैं, लेकिन एट द एंड पढ़ना आपको ही है। 3 महीने जो आपके पास हैं, आप जितनी मर्जी वीडियोस देख लो, अगर खुद का पेन नहीं चलेगा ना दोस्त तो एग्जाम क्लियर नहीं होगा। बात समझ में आई? तो इन 3 महीने को प्लान करो प्रॉपरली। प्रॉपरली प्लान करने का मतलब एक तो ये हो गया कि आपको वीकली टारगेट्स बनाने हैं। क्या बनाने हैं? वीकली टारगेट्स। जैसे अब आपको पता है कि आपको क्या करना है, आपको 15 नवंबर तक सिलेबस को कंप्लीट करना है, तो भाई आपको ये देखो कि आपका लॉ का सिलेबस कितना है, उसको आपको वीक्स में डिवाइड करना है कि इस हफ्ते ये, इस हफ्ते ये, इस हफ्ते ये, और यहाँ पे कंप्लीट, यहाँ पे कंप्लीट। अकाउंट्स का ये सिलेबस है तो इस हफ्ते ये करूँगा, इस हफ्ते ये करूँगा और यहाँ पे कंप्लीट कर दूंगा। बात समझ रहे हो? अब ये वीकली टारगेट आपको कोई और टीचर बना के नहीं दे सकता। अगर वो बना कर दे रहे हैं तो बेटा आप फॉलो नहीं कर पाओगे। कैसे फॉलो करोगे यार, एक ही प्लान इतने सारे बच्चों के लिए एप्लीकेबल हो सकता है कि नहीं? ना खुद सोचो, मैं आपको एक प्लान बताऊंगा, वो प्लान शायद मेरे लिए काम कर जाए, शायद किसी और के लिए काम कर जाए, पर ज़रूरी नहीं है ना आपके लिए काम कर जाएगा। आपसे नहीं होती दिन में 10-12 घंटे पढ़ाई, 8 घंटे होती है, तो आप 8 घंटे में ही आपको प्रॉपर प्लान करना होगा। हो सकता है आपको प्रैक्टिकल में ज़्यादा प्रॉब्लम हो रही है तो प्रैक्टिकल में ज़्यादा काम करो। ठीक है, मैं आपको बोल दूँ कि भाई आपको दिन में 6 घंटे अकाउंट्स पढ़ने हैं, 6 घंटे लॉ पढ़ने हैं, अरे आपको लॉ बिल्कुल समझ में नहीं आ रही है तो 6 घंटे में कैसे होगी, आपको उसको ज़्यादा टाइम देना पड़ेगा। अकाउंट्स आपसे इजीली हो रही है, आपने 11th 12th में पढ़ी है तो आपको अकाउंट्स में कम टाइम देना है। बात समझ रहे हो? तो इम्पॉर्टेंट क्या है, इम्पॉर्टेंट है प्लान करना। सर ये तो बहुत ओखा काम है सर, ये तो बहुत टाइम लग जाएगा। मेरी बात सुनो, मेरी बात ज़रा ध्यान से सुन लो कि जिनका एग्ज़ाम्स क्लियर होता है और जिनका एग्ज़ाम्स क्लियर नहीं होता, बेटा मेहनत जो है ना वो दोनों के दोनों करते हैं। ऐसा कोई स्टूडेंट नहीं होगा जो बिना पढ़े सीए का एग्ज़ाम देने जा रहा है, देखा है कि आपने कोई स्टूडेंट नहीं, मेहनत सारे के सारे कर रहे हैं। तो ऐसा क्यों हो रहा है कि भाई कुछ बच्चों का क्लियर हो रहा है, कुछ बच्चों का नहीं हो रहा है? बेटा यही छोटी छोटी चीज़ें हैं, छोटी छोटी चीज़ें कि उन्होंने प्रॉपर स्ट्रेटेजाइज किया है, प्रॉपर प्लान किया है, जिनकी रैंक्स आती है, जिनके बहुत अच्छे मार्क्स आते हैं, यही डिफरेंस होता है। उनका IQ लेवल बहुत एक्स्ट्रॉर्डनरी नहीं है। बात समझो आप, ठीक है? आप भी उतने ही मार्क्स स्कोर कर सकते हो जितना कोई और बहुत बहुत ही इंटेलिजेंट बच्चा कर रहा है। अपने आप को वीक मत समझो, आपको बस प्रॉपर प्लान करना है, मेहनत करनी है, डेडिकेटेड होने चाहिए आप और रेगुलरली। ठीक है, ऐसा नहीं होना चाहिए कि आपने एक हफ्ता पढ़ाई करी और 3 दिन का ब्रेक, बिल्कुल भी नहीं। इन तीन महीने में आप अगर रेगुलरली स्टडी कर लेते हो प्रॉपर प्लानिंग के साथ, मैं आपको गारंटी दे सकता हूँ कि एग्जाम क्लियर करने से आपको कोई नहीं रोक सकता। सीए फाउंडेशन क्लियर करना मुश्किल नहीं है, बस थोड़ी सी प्लानिंग और थोड़ी सी मेहनत चाहिए आपको। अगर आप वो कर सकते हो तो भाई कोई नहीं रुकेगा आपको, आपका डेफिनेटली क्लियर होगा। कुछ भी हो जाए आपका क्लियर होगा। सेल्फ बिलीफ रखो कि मैं क्लियर कर लूँगा, मेरे पास बहुत टाइम है। डाउट मत करो खुद को कि 3 महीने रह गए, 2 महीने रह गए, मुझे अकाउंट्स नहीं आती, मुझे वो नहीं आता। जो नहीं आता है ना उसको प्रिपेयर करने के लिए आपके पास बहुत टाइम है। बात समझ में आ गई? एक चीज़ और मैं आपको बता देता हूँ कि नॉर्मली क्या किया करो कि वीकली टारगेट जब आप सेट कर रहे हो तो कोशिश करो कि मंडे टू सैटरडे का आप टारगेट सेट करो, और जो आप संडे है संडे को आप फटाफट से वो रिवाइज कर लिया करो जो आपने मंडे टू सैटरडे किया है। क्योंकि अगर आप सिलेबस कंप्लीट करने के चक्कर में रिवीजन नहीं करोगे तो नहीं हो पाएगा। आपने बहुत बार देखा होगा, अगर मैं बात करता हूँ थियोरिटिकल सब्जेक्ट की, थियोरिटिकल सब्जेक्ट में होता क्या है कि भाई आपने एक चैप्टर आज पढ़ा, 1 महीने तक अगर आपने उसको हाथ नहीं लगाया ना तो बेटा 1 महीने में वो इस तरीके से गायब हो जाएगा कि आपको याद ही नहीं आएगा कि आपने वो चैप्टर पढ़ा कब था। बात समझ रहे हो? तो थ्योरी सब्जेक्ट्स बहुत प्रॉपरली प्लान करना ज़रूरी है। सर प्लान कैसे करेंगे कि भाई आप प्रॉपर लॉग बुक मेंटेन करो कि मैंने ये चैप्टर इस दिन कंप्लीट किया है तो मुझे इसको विद इन 2 वीक्स या 3 वीक्स दोबारा उठाना पड़ेगा। इसलिए मैं बोल रहा हूँ कि एक दिन हफ्ते में आपका क्या होना चाहिए, रिवीजन, कि भाई मंडे टू सैटरडे आपने जो भी किया है पूरा दिन संडे में फटाफट से उसको रिवाइज करो, फटाफट से एक बार देख लो, स्पेशली थ्योरी को देख लो, क्योंकि थ्योरी अगर भूल गए तो फ़ायदा नहीं है ना भाई।
आपने मान लो 2 दिन लगा के एक चैप्टर पढ़ा, 2 दिन आपने डिमांड पढ़ा, अगर आपने 1 महीने तक उसको नहीं पढ़ा तो आपको याद रहेगा क्या? नहीं रहेगा ना भाई। इससे बढ़िया आपने अगर आज पढ़ा है तो हफ्ते बाद या 10 दिन बाद एक बार 2 घंटे निकाल के उसको एक बार देख लो, क्या हो जाएगा, दोबारा रिकॉल हो जाएगा तो भूलोगे नहीं। तो थ्योरी सब्जेक्ट्स के लिए ये बहुत ज़रूरी है, जिसको हम क्या बोलते हैं, क्यूमुलेटिव रिवीजन, कि भाई आगे बढ़ने से पहले पीछे का एक बार पकड़ लो, ठीक है। ऐसे नहीं होना चाहिए कि आगे दौड़ो पीछे छोड़ो, नहीं, अगर आगे दौड़ रहे हो तो पीछे को पकड़ के दौड़ो। बात समझ में आ गई? तभी आप थ्योरी को प्रॉपरली कर पाओगे। ये छोटी छोटी चीजें हैं, इनको अगर आप प्रॉपर फॉलो करोगे तो बस हो जाएगा, राइट। आई होप थोड़ा सा आपको डायरेक्शन मिल गई होगी, थोड़ी सी गाइडेंस मिल गई होगी कि इन 3 महीने में आपको करना क्या है। आपको कुछ भी पूछना है, कोई भी डाउट है, आप मुझे इंस्टाग्राम पे मैसेज कर सकते हो, कमेंट सेक्शन में मुझे बता सकते हो। बाकी आपको टेंशन नहीं लेनी है दोस्त, बिल्कुल भी स्ट्रेस मत लो, 3 महीने बहुत होते हैं। ICA ने आपको एक मौका दिया है, उसको पकड़ लो। बात समझ में आ गई? नहीं तो बाद में रिग्रेट करोगे कि काश पढ़ लिया होता, क्योंकि 6 महीने का टाइम बहुत होता है। दिसंबर के बाद मई तो आएगा, लेकिन दिसंबर से मई के बीच में हालत ख़राब हो जाती है कि दोबारा जब वो चीज़ें आपको पढ़नी पड़ेंगी जो चीज़ें आपने पहले पढ़ी है तो बहुत दिक्कत होती है, राइट। तो इससे अच्छा क्या है, मान के चलो कि यही आपका फर्स्ट एंड लास्ट अटेम्प्ट है। अगर कोई बच्चा दोबारा से अटेम्प्ट दे रहा है तो बेटा सोच के चलो कि ये लास्ट अटेम्प्ट है, इसके बाद मुझे फाउंडेशन का एग्ज़ाम दोबारा नहीं देना है, कुछ भी हो जाए। बात समझ में आ रही है? तो आपका गोल क्लियर होना चाहिए कि भाई अगले साल इंटरमीडिएट का एग्जाम दूंगा, कुछ भी हो जाए। बात समझ रहे हो, राइट। तो फाउंडेशन दिसंबर में क्लियर हो जाना चाहिए। कोई भी हेल्प चाहिए कभी भी इंस्टाग्राम पे मैसेज करो, आपको रिप्लाई ज़रूर मिलेगा। बाकी आराम से पढ़ते रहो, बिल्कुल भी टेंशन नहीं लो। मिलते हैं आपसे बहुत जल्दी, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।